हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। संग्राम बराबरी के नाह श्री रघुनाथ नंगा पैर जमीन पर ठाड़ मार, जबकि रावण आपन दिग्विजयी अक्षय रथ पर सवार होके युद्ध कर रहल बा। ब्रह्मा और महादेव से प्राप्त शक्ति के बल पर उचारो ओरी त्राही त्राही मचा रहल बा। देवगण, एकर कौनो उपाय नहीं खे? उपाय बा कल्या। हे इंद्र, आज रावण के मार्केश दशा बा, यह समय श्री राम प्रभु के सहायता करे से सगरे देवता के कार्य सिद्ध हो जाए। आप तुरंत अपन दिव्य रथ श्री राम प्रभु के सेवा में भेज दी। जय आज्ञा पितामह। मातली, आज्ञा देवराज। मातली, तू यही समय हमारे दिव्य सोना के रथ के लेके युद्ध भूमि में श्री राम के सेवा में पहुंचा। वहां से कहिया कि पितामह श्री ब्रह्मा के आदेश से इंद्र अपन रथ आपके सेवा में भेजले बाड़ा। ये रावण के संगे मायावी युद्ध के समय आपके खातिर सहायक और उपयोगी हुई। ये आज्ञा। श्री चरणन में सारथी सेवाधारी मातली के प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, हम मातली नामधारी देवराज इंद्र के सारथी हैं। सुरेंद्र आपके विजय के कामना से आपन दिव्य रथ आपके सेवा में भेजले हैं। एकरा स्वीकार करी प्रभु। बाकी हम तो देवराज इंद्र से कौनो सहायता नहीं मांगले। हे नाथ,
देवराज रथ पितामह श्री ब्रह्मा के आज्ञा से भेजले हैं। देवराज कहले हैं कि रावण के संगे मायावी युद्ध में ये आपके खातिर उपयोगी हुई। सावधान भैया, युद्ध क्षेत्र में अचानक केहू पर विश्वास ना करे के चाहिए। शत्रु विकट छल कपट करे में माहिर बा। श्री लक्ष्मण कुमार के सतर्कता सराहनीय बा। आपके संदेह दूर करे खातिर हम एह रथ के खास वर्णन सुनावत हैं, जे खाली देवलोक वासी के ही पता बा। हे रघुवंश मणि, त्रिपुरारी श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित ये दिव्य रथ है। एह में सातों कुलगिरी के बल है। अष्ट महानाग वासुकी अनंत दक्ष शंखपाल गुलिकी पद्य महापद्य और कारकोटक यह रथ के रास के रस्सी में अदृश्य रूप से विद्यमान बाड़न। नक्षत्र रूपी रत्न से रथ सजल बा। एह में इंद्र के महान धनुष अग्नि समान तेजस्वी कवच कल्याणमय उज्ज्वल शक्ति वाला बाण है। यह आवश्यकता के हिसाब से घट और बढ़ सकेला। आपके बाण के गति से चल सकेला। दिव्य रथ सागर के लहर पर अग्नि के शिखा पर निर्विघ्न दौड़ सकेला। सबसे बड़का प्रमाण इस रथ में जोताई दिव्य सफेद घोड़ा बारन, जे अपन दिव्य घोड़ा होवे के प्रमाण स्वयं देवेलन प्रभु। नमामि ब्रह्म देवाय पुंडरीकाक्षाय महेश्वराय। युद्ध क्षेत्र में अगर सदुपयोग करके एकरा धन्य करी प्रभु। सुराधिपति आपके सेवा के अवसर देके हमके धन्य कर दिले हैं। संदेह त्याग के देव हित और धरती के कल्याण खातिर एकरा स्वीकार करी करुणा निधान। प्रभु, संकोच त्याग के एकर सदुपयोग करें, यही में सबके हित बा, सबके कल्याण बा। पितामह ब्रह्मा जी, देवराज सुरेंद्र एवं सभे देवता के हमार शत शत प्रणाम और सादर धन्यवाद। देव मनोरथ सफल हूं। आदेश दी स्वामी। मातली, शत्रु कैसन भी अनिति के मार्ग अपनावे, तू हमार संकेत देख के ही काम करिहा। हे पुरुषोत्तम, आपके मतलब घोड़ा के गति, शत्रु के चाल, ओकर फलाफल, हर बात पर विचार कहले बिना यदि कुछ करी तो हमार सारथी विद्या बेकार बा। सारथी खातिर इस सब बात के ध्यान रखल जरूरी बा। आप निश्चिंत रहें प्रभु, शत्रु के कोनो भी रथ एह रथ के गति के सामना ना कर सकी। अब हमार रथ के युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चला। जैसा आज्ञा प्रभु। जय श्री गणेश।
वासी के पास ऐसा रथ कहां से आ गए? जरूर देवता लोग के षड्यंत्र हुई। हाँ महाराज, रथ के हम अच्छा तरह से जानी ले, स्वयं देवराज इंद्र के रथ हा। इंद्र के ई साहस जो हमरा से विरोध करके उठान के सहायता करे लागल। इंद्र राम से निपटे के बाद तोहरा से भी हिसाब बराबर करे के पड़ी। इतना कहे पड़े रावण के सामने आए पड़े माथा झुका के आओ। तू यदि एक पहले माथा झुका के आगे जा शायद तुम्हारा बचे के उम्मीद हो सकत रहा। बाकी अब तक तुम्हारा माथा काटे जरूरी हो गया। अरे तपस्वी, पहले जोड़े पड़े अब उनका तरह न है। हमारे माधव रावण तीनों लोग जेकर यशगान करेला लोग हर भूषण और विराज के बदले बेचारा बाली के दुका के बच गए थे। कुंभकर्ण और मेघनाथ के बदले आज हम के उस सत के बदला लेने के बाद चले तो युद्ध भूमि छोड़ के भाग न गए थे। आज हम उस सत के बदला ले मत भुलाए या रावण से सामना बा रावण से। नीच निशाचर सहाय स्त्री पर वीरता दिखाया वाला कायर कोना बात खाते अपना के वीर हटाड़े धर्म के मर्यादा भंग करे वाला पापी बाहर सगरे पाप के दंड आज तो जरूर दंड देवे के काम राजा के होला और भिखारी के ना महिला प्रथम दंड नीले तुम्हार दंड। We'll be right back.
रघुनाथ के अमोघ बाण निष्फल हो रहल बा। ना देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल ना हो रहल बा, ई त रावण के आसुरी माया बा। जैसे ओकर माथा कट जाला और फिर से जुड़ के पुनः सजीव हो उठेला। एक तरह रावण के अंत कैसे हुई? प्रभु हृदय के लक्ष्य करके बाण काहे नहीं की मारत? अवश्य हृदय में बाण लगते ही ओकर अंत हुई। हे देवराजेंद्र, ये एगो गुड़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय के लक्ष्य करके बाण ना चले हैं। कहे कि श्री राम जानेला कि रावण के हृदय में निरंतर सीता के वास है और सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहलन, और प्रभु के हृदय में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसल बा। ये अवस्था में यदि बाण मरहे तो रावण के संगे सीता, ओकरा संगे राम और राम के संगे सगरे ब्रह्मांड के विनाश हो जाए। तभी रावण के अंत कबो न हुई? होई, बार बार मस्तक पर प्रहार हुई। इस तरह मस्तक के बार बार काटल जाए से व्याकुल हो जाए। इस तरह के व्याकुल अवस्था में ओकर हृदय से सीता के ध्यान टूट जाए। यदि पल भर खातिर भी ओकरा मन पर से सीता के छवि हट जाए, वही क्षण अंतर्यामी राम ओकरा हृदय में बाण मार के ओकर अंत कर दिए। अरुपति मन भावन